एवरीवन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधिका व्लॉग्स 42। सो कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। अब शाम के टाइम 5 बजे हैं अभी और मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही सोकर उठी हूँ। एक्चुअली ऐसा होता है ना, आजकल इतना ज़्यादा थक जाती हूँ। तो एक शादी थी तो शादी में इतनी ज़्यादा थकान हो गई ना, मतलब खाना खाते ही बिल्कुल लेटने का मन करता है। वीडियोज़ वगैरह मेरी कुछ भी नहीं बन रही है। सोची अब करूँगी ब्लॉग की शुरुआत, अब करूँगी, अब करते करते शाम हो चुकी। सो गाइज अभी कर रही हूँ ब्लॉग की शुरुआत और मैंने चाय वगैरह कुछ भी नहीं पी क्योंकि अभी घर में कोई भी नहीं है। और देखो मैंने बालों में इतनी सारी ऑयलिंग कराई है अभी कृष्णा से थोड़ी देर पहले ही पूरा, और कल हेयर वॉश करूँगी ना सुबह मॉर्निंग में। तो अभी ऑयलिंग करा के अच्छा लग रहा है, थोड़ा अच्छा फील हो रहा है क्योंकि शादी वगैरह में इतने ज़्यादा स्ट्रेट वगैरह कराए थे बाल ना, तो ऐसे रफ रफ से हो रखे थे, तो इसलिए ना ऑयलिंग करा के बहुत अच्छा सुकून सा मिल रहा है। सो गाइस अगर वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी मैंने मतलब हस्बैंड से पूछा कि मेरे को डिनर में क्या बनाना, बताओ जरा क्या खाओगे, तो उन्होंने कहा कुछ भी बना लो यार। लेकिन आजकल विंटर सीजन में कुछ इतने सारे ऑप्शन रहते हैं सब्जियों के, विंटर सीजन में बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं गाइस, सब्जियों के कुछ भी बना सकते हो आप। और अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे मिक्स वेज, मतलब विंटर सीजन में तो जितनी ज़्यादा हरी सब्जियाँ हैं ना उतना ही ज़्यादा खाओ, उतना अच्छा होता है हेल्थ के लिए। सो मैं यहाँ पे बना रही हूँ मिक्स वेज, तो दिखाती हूँ मैं आपको। देखो मैंने मिक्स वेज के लिए क्या क्या वेजेस लिए हैं। थोड़ा ब्लॉग मैंने देर से शुरू किया और यहाँ पर जो मसाला था ना वो मैंने इसका रेडी कर लिया है। और इधर जो मैंने वेजेस ली हैं ये है पोटैटो, कैरेट भी आजकल बहुत अच्छी आ रही है, और ये है कैप्सिकम, और इधर है मटर, और इधर मैंने लिया है न्यूट्रिला जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसको मैंने बॉईल कर लिया अच्छे से और छोटे छोटे पीसेस में कट भी कर लिया है। तो आज डिनर होने वाला बहुत ज़्यादा मस्त, बना रही हूँ मिक्स वेज, हेल्दी सब्जी है, बच्चे अच्छे से खा लेते हैं, मिक्स वेज के नाम से तो अच्छे से ही खा लेते हैं। बट इस वेज में अभी पनीर है जो अवेलेबल नहीं है, मतलब पनीर कोई घर में भी नहीं है जो पनीर लेकर आए, इसलिए बिना पनीर के ही ये सब्जी बना रही हूँ। और देखते हैं गेट पर कौन है। अभी तो किसने साइकिल चलाने गए थे, अभी क्या हुआ, क्या हुआ, चोट लग गई ना, मुझे लग रहा था, मुझे डाउट था कि आप इतनी जल्दी कैसे आ सकते हो, अभी तो आप गए थे थोड़ी देर पहले। अरे वो मैं पार्क में मोटरसाइकिल, मैंने ब्रेक पूरा पूरा चोट तो नहीं लगी कहीं, नहीं मसल खिंच गई थोड़ी सी, मुझे लग रहा था आपका। दिखा देना कैसे, मैं ऐसे खड़ा था, ऐसे ऐसे मैं रोक के खड़ा था और थोड़ी देर पहले ही साइकिल चलाने, इतनी जल्दी कैसे आ सकता है ये। अभी 5 से 10 मिनट मैंने ब्लॉक की शुरुआत की, मेन गेट से बाहर निकला था, गाइस सब्जी हो चुकी है, मतलब रेडी नहीं हुई बट अभी इसको थोड़ा धीमी आंच करके करके रख देते हैं। और इस सब्जी के लिए हमारा ये पुत्र है ना बहुत मुंह बना रहा है। तो फाइनली गाइस हमारी मिक्स वेज बन चुकी है, देखिए दिखने में सब्जी कितनी यम्मी लग रही है। और साथ में है रायता, मिक्स वेज एंड चपाती, तो आज का डिनर ये है। एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस अभी सुबह के 6:30 हुए हैं, मतलब अभी 7 बजने में थोड़ा टाइम है, और बच्चों का लंच रेडी कर रही थी, इतना दिमाग खराब हुआ सुबह सुबह पूछो मत पूछो। हुआ यूँ, मुझे बनानी थी बच्चों के लंच के लिए, मतलब रात में डिसाइड कर लिया था कि रात सुबह मॉर्निंग में आलू गोभी की सब्जी और पूड़ियाँ बनाऊंगी बच्चों के लंच के लिए। लेकिन जैसे ही गोभी को कट करने लगी यार, मैं हमेशा ना विंटर सीजन में सब्जियाँ रात में ही कट करके रख लेती हूँ, बट रात में पता नहीं क्या हुआ सब्जी ही नहीं कट करी। मैंने कहा चलो ठीक है यार सुबह ही कर लूँगी, और जैसे अभी गोभी मैंने कट करके रखी ना उनमें इतने सारे कीड़े यार, इतना दिमाग ख़राब हो गया। फिर मैंने कहा यार बनाऊँ क्या, फिर ना बच्चों के लंच के लिए आलू के पराठे इतनी भागम दौड़ हो गई सुबह सुबह, सब समझ में नहीं आता लंच रेडी होगा कि नहीं टाइम से, बट हो चुका है, मैं जा चुके हैं स्कूल और कृष्णा रेडी हो रहे हैं। तो चलिए बच्चों के लंच के लिए आज मैंने आलू गोभी बनाए, ये सॉरी आलू के पराठे बनाए हैं अभी तो। और अभी ना दूध वगैरह दे देती हूँ यार, सच में यार सुबह सुबह ये दिमाग ख़राब हो गया, और मेरी पूरी किचन की हालत इतनी बुरी हो रखी है ना, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये देखो क्या हाल है मेरी किचन का। ये है आलू की पिट्ठी जो मैंने फटाफट से आलू बॉईल करा किया हुआ रखा हुआ था, तो मैंने बच्चों के लंच के लिए ये बना दिया फटाफट से। और ये देखो इधर है गोभियाँ,
कहते हैं ना कि हल्दी के पानी में डाल के रखो, मतलब थोड़े गुनगुने पानी में डालो तो सारे कीड़े ऊपर आ जाते हैं, बट कीड़ा तो एक भी नहीं दिख रहा है इसमें। एक मेरे को एक दिखा था, वो मैंने अलग ही साइड कर दिया था, लेकिन अभी इसमें एक भी नहीं है। आज पता क्या हुआ, आपने बोला था ना सुबह आलू गोभी बनाना, ना इन्होंने ही बोला था गाइस के सुबह आलू गोभी बनाना, जैसे ही गोभी कट करने लगी उसमें कीड़ा दिख गया मेरे को, दिमाग खराब हो गया। तो चलो अभी फटाफट से, कीड़े वीड़े कुछ नहीं है, एक था वो मैंने निकाल दिया था। अभी मैंने हल्दी का पानी में आ जाते हैं ना ऊपर से, लेकिन कुछ भी नहीं आया। तो चलो अभी बनाते हैं आलू गोभी की सब्जी, अपनी किचन को नीट एंड क्लीन करते हैं, बहुत फैल गई। आज मैं अपने हस्बैंड की डिमांड कर रही हूँ पूरी, दो तीन दिन से बोल रहे थे आलू गोभी की सब्जी ना, गोभी को फ्राई करके तब बनाना, आलू को फ्राई करके, ये बहुत ही टेस्टी लगती है गाइस, फ्राई करके बनाओ ना, थोड़ा फ्राई करने में टाइम तो लगता है बट जल्दी बन भी जाती है। और इधर देखो मैंने आलू इस शेप में कट किए हैं, पोटैटो को थोड़ा ऐसे कट करोगे ना। देखिए गाइस सब्जी क्या बनी है, मसालेदार अभी बनी रही है, बनी नहीं है। और आज मैंने आलू गोभी को फ्राई करके बनाया है, लग रही है ना देखने में कितनी यम्मी। और अभी किचन बिल्कुल साफ हो गई है, आटा वगैरह मैंने गूंथ के रख दिया है। अब मैं पीती हूँ आधा कप चाय, आई एम बैक। सो गाइस फाइनली अभी जस्ट नहाकर आई हूँ, अभी दोपहर के 12:20 हो चुके हैं, और जितना सोचा था कि जितनी जल्दी काम से फ्री होगी उतना ही लेट हो गई। एक्चुअली हुआ ऐसे, किचन का खाना वगैरह बनाने के बाद जो कुछ बर्तन थे ना वो वॉश करने लग गई थी, और जैसे ही वॉश किए ना बर्तन का जो पाइप है ना वो मतलब पानी बैक आने लग गया, पूरी किचन में पानी पानी हो गया। वो तो शुक्र है कि हाँ ये स्वीपर आंटी बाहर झाड़ू लगा रही थी, तो मैंने उनको फटाफट से बुलाया और उन्होंने साफ कराया है यहाँ से पूरा, इतना ज़्यादा चिकट निकली है पूछो मत। और उसके बाद फिर साफ सफाई में मेरी हालत ख़राब हो गई, अभी मैंने ब्रेकफास्ट लंच कुछ भी नहीं किया है, बस अब करूँगी, उसके बाद मैं इनको लाने का टाइम हो जाएगा। इतना ज़्यादा बिजी चल रही हूँ गाइस, वीडियो की एडिटिंग भी नहीं कर पा रही हूँ। सो चलिए अभी मैं, मेरा खाना मतलब दोपहर का लंच और ब्रंच एक ही हो जाएगा, मतलब लंच और ये ब्रेकफास्ट एक ही हो जाएगा मतलब ब्रंच। तो चलिए फटाफट से करती हूँ, चाय वाय मैंने सब बना ली है और खाती हूँ, उसके बाद देखती हूँ बच्चों को लाने के बाद एक दो वीडियोस वगैरह बनाऊंगी। मेरे को वॉशिंग मशीन भी लगानी थी कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए, क्योंकि कल भी मैंने वॉश नहीं किए थे, लेकिन अब तो ज़्यादा टाइम हो गया, हो सकता है शाम को दोपहर को कब करूँगी, जब भी करूँगी तो उससे पहले कुछ खा लेती हूँ क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी है। तो गाइस आज मेरा इतना बिजी डे था, इतना बिजी थी आज मैं पूरे दिन, बस पूछो मत रेल बनी हुई है। और जस्ट अभी शाम के मतलब रात के 7:30 है और मैं अभी कपड़े धोकर आई हूँ, वॉश करके आई हूँ सारे ही कपड़े। एक्चुअली ऐसा ना कल तो संडे है तो आराम से उठेंगे, इसलिए मैंने अभी रात में सारे वॉश कर दिए, बट अभी आई हूँ ना तो ग्रीन टी पी रही हूँ, लेकिन मेरा डिनर बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। हमारे मतलब मेरे पतिदेव बराबर में बैठे हैं, मेरा डिनर बनाने का मन नहीं कर रहा कि साहब आप देखो, क्योंकि 7:30-8 हो चुके हैं इस टाइम, और मेरे को ठंडा भी बहुत लग रहा है, मेरे कपड़े सारे गीले हो गए थे। तो बताओ कहाँ लेके चल रहे हो? छत पे। ये देखो इनका, बताओ भाई, चलो यार कहीं बाहर चलो, बिल्कुल मतलब मन ही नहीं कर रहा कुछ भी बनाने का। अभी देखते हैं गाइस, थोड़ी रिक्वेस्ट करती हूँ चलते हैं कि नहीं। तो गाइस कपड़े वगैरह वॉश करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, ग्रीन टी वगैरह पी, एंड उसके बाद हमें जाना था मंदिर। मंदिर में मतलब सैटरडे, हम लोग सैटरडे ट्यूसडे को मंदिर जाते ही हैं हमेशा, और यहाँ पे जो आए हैं शॉप पर प्रसाद लेने के लिए आए हैं स्वीट वाली शॉप पर, तो प्रसाद हमने ले लिया है। लेने के बाद अभी चलते हैं मंदिर, मंदिर में थोड़ा सा माथा वगैरह टेक के, जो हमने प्रसाद लिया उसको बांट बांट के, फिर देखते हैं हम क्या खा।
इस मंदिर में आके इतना अच्छा लगा। प्रसाद वगैरह हम लोगों ने चढ़ा दिया, अब हम चलते हैं मार्केट, देखते हैं कुछ खावा कर आते हैं।